Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ritesh and you're watching Travelog by Ritesh. So let's start. आज का जो वीडियो होने वाला है ये है गोवा की कुछ हैपनिंग प्लेस. अगर आप इस मानसून सीजन में आ रहे हैं तो ये ओपन है. तो पहला जो ऑप्शन है ये है वागातोर पे बोटाई. ये एक थाई रेस्टोरेंट एंड बार है, आप इसको देख सकते हैं. यहाँ पे इनके कॉटेजेस भी है जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा. अभी ये इनके यहाँ पे स्टे के ऑप्शन भी है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं. और जो इनका मेन्यू है वो थाई है, आपको अगर थाई पसंद है, इनकी लोकेशन परफेक्ट है, तो आप यहाँ आके थाई लंच डिनर एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ म्यूज़िक जो है वो लाइव डीजे रहता है, तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है यहाँ का. और यहाँ का व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आप इन्जॉय करेंगे इस व्यू को. बट एक चीज़, आप जब भी यहाँ पर आए तो पहले अपना रिजर्वेशन करवा लें. यहाँ पे रिजर्वेशन आप करा लेंगे तो कंफर्म आपको सिटिंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको रुकना पड़ सकता है. इस वीडियो में मैंने इनका मेन्यू भी डाला है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने दो फूड के ऑप्शन ट्राई करे थे. एक था एडमामे, एक ये एक तरह की बीन्स होती है, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया. और दूसरा था पिज़्ज़ा, फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा जो कि थिन क्रस्ट था, वो बहुत ऑसम था, वो मैंने बहुत इन्जॉय करा. तो ये इनका मेन्यू ऑप्शन है और ड्रिंक्स और कॉकटेल्स भी काफ़ी वेराइटी है यहाँ पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो ये था बोटाई का एक टूर. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. और आप अगर इस सीज़न गोवा आ रहे होंगे तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं. जब हम लोग जा रहे थे तब धीरे धीरे यहाँ क्राउड बहुत बढ़ रहा था. हम लोग काफ़ी इवनिंग में बहुत जल्दी आ गए थे, तो क्योंकि एक और लोकेशन में हमें शूट करना था, तो ऑप्शन नहीं था हमारे पास. बट आप देख सकते हैं जब हम लोग जाने लगे हैं तो क्राउड धीरे धीरे काफ़ी आते जा रहा है और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. तो जो सेकंड लोकेशन है ये है पिस्को बाय द बीच. ये अंजुना पर है और ये एक बार एंड रेस्टोरेंट है जो कि मेनली इटालियन सर्व करते हैं. इस रेस्टोरेंट की अगर मैं ख़ास बात कहूँ तो ये है यहाँ का कमाल का व्यू, बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू है. बट सॉरी, इस वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि जो इवनिंग का स्लॉट था वो पूरा बुक था, रेस्टोरेंट हमें नहीं मिली. बट अगर आप दिन में आते हैं, ये 12:30 पे ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से बहुत ही कमाल का व्यू देख सकते. और इस टाइम पे सी बहुत रफ़ था और नीचे जो क्लिफ से है अंजुना का, जो छोटे से जो पत्थर से है, उस पे जब वेव्स टकराती है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. तो आप इसको ट्राई कर सकते, बट पहले आप अपनी बुकिंग्स
इनसे कॉल करके कंफर्म कर लें। हमने फूड में ट्राई करा था ग्रिल काजू स्पाइसी स्वीट पोटैटो और पेपर डेले पास्ता, जो कि दोनों ही बहुत कमाल का था। और ड्रिंक्स भी यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस है, कॉकटेल के भी और विस्की और वाइन के भी, तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही था कि आपको ये ऑप्शंस दिखा सकूँ कि मानसून में भी गोवा में ये सब ऑप्शंस ओपन हैं और आप यहाँ आगे इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।